ये हमारे एपी चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में आपको करवा रही हूँ दो, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, वो आपको या तो नोटबुक में या कमेंट सेक्शन में जरूर से सॉल्व करने हैं। अगर आपने वो सॉल्व कर लिए और मेरे ये पार्ट जो आठों के आठों पार्ट है एपी के वो आपने कम्प्लीट कर लिए, तो उसके बाद एपी वाले चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें 8 के जो 15 मल्टीपल्स होंगे उनका सम फाइंड आउट करना है। तो 8 सबसे पहले 8 के टेबल लिखेंगे, वही 8 के मल्टीपल होते हैं 8, 16, 24, 32, 15 नाम तक हम 8 के टेबल लिखेंगे। अब आप देखिए, अगर मैं इनका सम निकालू तो क्या करूंगी, इन सबको मैं जोड़ूंगी, ऑब्वियसली बात है 15 नाम तक, ठीक है। अब जब मैं इन सबको जोड़ूंगी तो मुझे पता है ये 8 के मल्टीपल है, तो इनमें 8 तो कॉमन आएगी, तो मैंने सम में से अगर 8 कॉमन ले लेती तो 8 1 8 1 कॉमन, 8 2 16 2 कॉमन, 8 3 24 3 कॉमन, इस तरह डेट है 8 15 तक कुछ आ रहा होगा, अगर 8 कॉमन ले लेते यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 8 को बाहर रहने देती हूँ, अब ये बन गई मेरी एपी 1 2 3, तो यहाँ पे तो ये हमारी एपी बन गई। तो इसका जो पहला टर्म है वो हो गया हमारा ए, तो यहाँ पे ए क्या हो गया मेरे पास 1, ए क्या हो गया 1, और यहाँ पे मेरे पास डी क्या हो जाएगा चलिए बताइए, पर यहाँ मुझे डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मुझे ए और ये जो 15 है ये मेरा लास्ट टर्म है, तो एल क्या हो गया मेरा लास्ट टर्म हो गया 15 और फर्स्ट टर्म हो गया ए, ठीक है। और ए को आप बाहर रहने दीजिए, अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एन बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो एन कितनी है 15 टर्म है, तो मैंने एन की जगह लिखा 15 बाय 2, ए जो है हमारा 1 है और एन जो है वो हमारा 15 है, और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई 8 क्यों किया, क्योंकि 8 हमने यहाँ बाहर क्या करा था कॉमन लिया था, ठीक है। जब हम इस पूरे को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 960। इट मीन्स द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 अगर मैं उनको जोड़ती हूँ तो मेरे पास 960 आएगा। आप इसे मैन्युअली भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी हूज एंथ टर्म। हमें सिर्फ एंथ टर्म गिवन है, एंथ टर्म दे रखी है 9 - 5 है, और हमें उसके एंथ टर्म से पहले ए और डी निकालेंगे, उसके बाद उसके 15 टर्म्स का सम निकालना है, राइट। तो ये हमें एंथ टर्म दे रखी है, पहले मैं एपी बनाऊंगी, अगर मैं एन की जगह 1 रखती हूँ तो ए 1 टर्म आ जाएगा, यहाँ एन की जगह मैंने 1 रखा तो ए 1 आ गया, एन की जगह 2 रखूंगी तो मेरे पास ए 2 टर्म आ जाएगा, और एन की जगह अगर मैं 3 रखूंगी तो मेरे पास ए 3 टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक एपी फॉर्म हो गई 4 - 1 और - 6। तो किसी भी एपी की जो पहली टर्म होती है वो ए होती है, बी कैसे निकलता है -1 - 4 तो -5 है, -6 - 1 करेंगे तो भी आपके पास -5 आएगा। डी निकालते हैं हम लोग सेकंड टर्म में से, तो फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दीजिए। अब मुझे सम निकालना है 15 टर्म का, ए है मेरे पास, डी है, सम का मैंने फॉर्मूला लगाया ये वाला, यहाँ फर्स्ट लास्ट टर्म इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ मुझे लास्ट टर्म नहीं पता, यहाँ लास्ट टर्म पता थी इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया था सम का, यहाँ मुझे लास्ट टर्म नहीं पता, ए और डी पता है इसलिए ए और डी वाला सम फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर दी 15, ए जहाँ ए है वहां पुट कर दिया 4 और जहाँ डी है वहां मैंने पुट कर दिया -5। तो इस तरह से जब आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फर्स्ट 15 टर्म का सम मिलेगा इस एपी का -465। सो होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, और पीडीएफ में जो भी प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं उसे जरूर जरूर कीजिए। आपको ये एपी चैप्टर आज फिनिश हो चुका है, इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी पॉइंट खुशबू सोनी, यहाँ सारी क्लासेस के आपको साइंस मैथ इंग्लिश SST सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी कीजिए। थैंक यू।